वरिष्ठ नगर सेवक राजेंद्र सिंह भुल्लर महाराज के प्रभात क्रमांक 3 में विकास कामों की झड़ी लग गई है। 20 करोड़ रुपए की निधि इस क्षेत्र में लगाई गई है और विभिन्न विकास कामों का भूमि पूजन किया गया। आइए लेते इस बारे में अधिक जानकारी। ये यहाँ जामा मस्जिद के पास का एरिया काफी टाइम से काम जो हुआ था, काफी पहले महाराज भुल्लर जी की वजह से ही हुआ था, इसके पहले भी, और लगभग मेरे ख्याल से 2 साल से बहुत थोड़ी हालत खराब हो गई थी, इसकी खस्ता हालत थी। हमने काफी बार महाराज भुल्लर से सबके सब मिलके उनको बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने विक्की भाई के ऊपर ये जिम्मेदारी रखे थे। आज हमको इस बात की बहुत खुशी है कि विक्की भाई ने ये बात इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से बराबर अदा किया और आज इसका यहाँ से काम का शुभारंभ किया गया है। आज हमारे शाह फाटक उल्लासनगर के शहर प्रमुख राजेंद्र सिंह भुल्लर महाराज व वरिष्ठ नगर सेवक शिवसेना के और हमारे इस वार्ड के, जहां से महाराज भुल्लर 30 सालों से नगर सेवक हैं और इस वार्ड को उन्होंने अपना ऐसा कार्यभार बना के यहां पे रखे हुए है कि हमेशा दिन रात यहां के नागरिकों को किसी बात की समस्या होती है तो महाराज भुल्लर के दरबार या उनका घर बंगला, आधी रात को भी किसी को जरूरत पड़ी होगी तो महाराज जी यहाँ के लोगों की समस्या सुनने के लिए विक्की भाई, महाराज भुल्लर जी और हमारी भाभी चरणजीत कौर जी यहाँ के नागरिकों, उनको अगर समस्या रात को भी जरूरत पड़ी है तो वो समस्या सुनने के लिए वो बंगले का दरवाजा उनके यहाँ के लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। और ये यहाँ पे महाराज जी भुल्लर ने भवानी चौक पे RCC का काम और रेमबो चौक के यहाँ पे लेटरिन का काम और वहाँ एक समाज हॉल बनाने के लिए उन्होंने पास करा के लिए हमारे श्रीकांत सिंधे साहब जी के फंड से, और मस्जिद गली के यहाँ का भी RCC और नाली का CC पेजेस का काम चालू होने वाला है। और ये हमारे यहाँ पे जो है कोनार गेट के सामने से लेके आत्माराम गुप्ता के गली में भी गली और RCC का काम होने वाला है और राम सागर यादव की गली में CC पेजेस और कुछ नाली का जो काम है वो काम महाराज जी ने पास करा दिए हैं और वहां पे काम होने वाला है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये सब नागरिक लोगों की जो समस्या थी वो अभी दूर होने जा रही है। उल्लासनगर के शहर प्रमुख माननीय श्री राजेंद्र सिंह भुल्लर महाराज, ज्येष्ठ नगर सेवक उल्लासनगर महानगर पालिकेचे, यांच्या अथक प्रयत्नातून आपले कल्याण लोकसभेचे कार्य सम्राट खासदार श्री श्रीकांत एकनाथ जी शिंदे साहेब यांच्या फंडातून महाराजांनी 14,72,00,000 रुपये या आपल्या प्रभागासाठी त्यांनी त्यांच्याकडून आणलेले आहेत आणि त्याचाच एक भाग, त्याचा प्रत्येक भाग म्हणून सी ब्लॉक रोड गुरुद्वारा समोर हनुमान मंदिराच्या मागे, तसेच भवानी चौकाच्या पुढे गेल्यानंतर एक मस्जिद एरियामध्ये, तिथे खूप वर्षापासून दिवसापासून थोडंसं काम झालं नव्हतं, परंतु आज तिथल्या नागरिकांनी सुद्धा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद देऊन महाराजांना आभार मानले, व्यक्त केलेत की बरं आले तुम्ही या काम पास करून आलात, कारण की येणाऱ्यांना खूप त्रास होता। त्यानंतर एक समाज मंदिराचं भूमिपूजन सुद्धा आज आम्ही महाराजांच्या माध्यमातून इथे झालेलं आहे। तसेच आता आपण ज्या ठिकाणी उभे आहोत हा वार्ड मनोसाधनाने म्हणून नगरसेवक आहे त्याचा आहे, परंतु महाराजांकडे कार्यकर्ते आपल्याकडे सगळीकडे असल्या कारणाने कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाखातर या वार्ड मध्ये किती लाखाचा निधी आहे, 413 ते 416 बॅरेक मध्ये 50 लाखाचं काम नाळी CC पॅसेज यावरती महाराजजींनी लक्ष देऊन आपल्या कार्यकर्त्यांच्या मागणीनुसार इथे तुमच्या सर्वांच्या सोयी सुविधेसाठी केलेलं आहे। त्यामुळे नगरसेवक कोण आहे नाही आहे हे तुम्ही नंतर लक्षात घ्या, परंतु आता काम कोण करते त्याच्या माध्यमाग सर्वांनी उभं राहिलं पाहिजे असं मी तुम्हाला सर्व महाराजांच्या वतीने विनंती करतो की तुम्ही कार्य जो माणूस काम करतो त्याच्या पाठीमाग उभं राहिलं पाहिजे। तसेच कल्याण लोकसभेचे माननीय खासदार सुद्धा आपल्या या प्रभागावर उल्हासनगरवर त्यांची खूप कृपादृष्टी आहे, तसेच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्र्यांचं सुद्धा उल्हासनगरवर विशेष प्रेम आहे। त्यामुळे आपल्या सर्वांना विनंती करतो की येणारा काळ हा बहुतेक निवडणुकीचा असणार आहे, त्यामुळे तुम्ही काय ते योग्य तो निर्णय तुम्ही घ्याल, कारण की मतदार आता रोजच बघत असतो आणि सक्षम मतदार आता आहे, कारण त्याला कोणाला भूल कापांना बळी न पडता जो काम करेल त्याचा विकासाच्या पाठीमागे आपण खंबीरपणे उभे राहाल अशी मी आपल्याकडून महाराजांना ग्वाही देतो आणि आजचा हा उद्घाटनाचा कार्यक्रम इथे संपला असं जाहीर करतो। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।